तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत्यकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाओ उससे पहले एक जानकारी आपको फिर दे दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम ऐसी कहानियां, ऑडियोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, बायोग्राफी, पॉलिटिकल क्राइम की अलग अलग, थ्रिलर, सस्पेंस, आपके मनपसंद की कहानियाँ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। तो कुकू एफएम ऐप पर भी आप अपने पसंद की कहानियाँ सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है ज़्यादा जानकारी के लिए। तो अपने अपने शौक और पसंद की कहानियां कुकू एफएम ऐप पर भी आप जरूर सुने। कल इंडिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला था, बड़े अरमानों से बैठकर मैच देख रहा था और जैसे ही टॉस हुआ तो पहले ही लगा था कि कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि दुबई का रिकॉर्ड है जो पहले टीम बैटिंग करती है वो ज़्यादातर मैच हार जाती है, और कल इत्तेफाक से इंडिया को पहले बैटिंग करने का मौका मिला और फिर श्रीलंका से हम हार गए। अब जो एक था कि 11 तारीख को संडे को इंडिया पाकिस्तान का फिर से एक मुकाबला देखने को मिलेगा, उसकी उम्मीदें बहुत कम हो गई हैं, लगभग ना के बराबर हैं। अब हम दूसरों के रहम करम पर हैं फाइनल तक पहुंचने के लिए, और गणित भी बड़ा मुश्किल है। एक मैच तो आज है, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो आज का मैच पाकिस्तान हारे, इसके बाद आखिरी मैच फ्राइडे को है पाकिस्तान और श्रीलंका का, उसमें भी पाकिस्तान हारे तो हम कहीं फाइनल के लिए पहुंच सकते हैं और हम अफगानिस्तान को हराएं कल, तो इस सूरत में भी अगर हम पहुंचे तो इसका मतलब है इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल फिर नहीं होगा, फिर हमारा और श्रीलंका का ही होगा। लेकिन दूसरों पर डिपेंडेंट होकर फाइनल तक पहुँचने का कोई मतलब भी नहीं है, तो अफसोस हुआ। हालाँकि मैच लास्ट ओवर में इंटरेस्टिंग था और मुझे लगता है कि वो पांचवी गेंद पे अगर रन आउट हो जाता और ऋषभ पंत, कल धोनी की याद आई थी इसीलिए मुझे याद है, धोनी एक ऐसे सिचुएशन में एक हाथ का ग्लव्स उतार देते थे और फिर दूर से बॉल फेंकने की बजाय दौड़ कर एक स्प्रिंटर की तरह स्टंप को गिरा देते थे। कल भी अगर आप ध्यान से विजुअल देखें तो बैट्समैन बहुत दूर था, ऋषभ पंत अगर उसी फुर्ती से दौड़ते जैसे धोनी तो शायद हाथ से जाकर बेल्स को उड़ा सकते थे और रन आउट हो सकता था, फिर आखिरी गेंद पर 2 रन बचता और उसके बाद मैच में कुछ भी हो सकता था। लेकिन खैर छोड़िए, हटाइए, अब जो होना था हो गया। आज नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, आज से इंडियन प्रेडेटर, इसका पहला सीरीज भी आ चुका था। आज एक इंडियन प्रेडेटर, द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर, इसी कहानी में मैंने आपको उसकी कहानी सुनाई है, राजा कलंदर अलाहाबाद का, जो अलग अलग लोगों को मारता था फिर डायरी में नोट करता था, तो ये आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो गई है, तो मौका मिले तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसकी 2 वजह है, एक तो मैंने आपको पूरी कहानी डिटेल में सुनाई है, दूसरा जो हमारा ग्रुप है इंडिया टुडे ग्रुप, ये पहली एंट्री हुई है OTT पर एक प्रोड्यूस करने के मामले में, तो इंडिया टुडे ओरिजिनल के नाम पर इस नेटफ्लिक्स के सीरीज़ को रिलीज़ किया गया है, इंडियन प्रेडेटर Season 2 डायरी ऑफ ए सीरियल किलर। तो देखिए और देख देख कर अपनी अपनी राय भी दिखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता देख भी लिया हो, तो बताइए आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और देखिएगा। अब आते हैं आज की अपनी कहानी के ऊपर। आज की कहानी मैं कई बार बोल चुका हूँ पहले भी वो लाइनें, कि कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई रिश्ता बच सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिससे जुर्म बच सकता है। मुझे लगता है कि शायद एक चीज़ मुझसे छूट गई थी या रह गई थी, कि एक ऐसे भी कोई क्राइम कर सकता है। आज की कहानी उसी छूटे हुए शायद हिस्से की भरपाई करेगी। कहानी गुजरात के वलसाड की है, बात इसी 28 अगस्त की है, करीब 8-10 दिन पुरानी। वलसाड शहर में एक नदी के किनारे एक कार खड़ी थी सुनसान, किसी राहगीर की नज़र पड़ी, उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की टीम आती है कि भाई ऐसी जगह पर एक कार क्यों खड़ी हुई है, तो पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, कार के अंदर झांकती है तो देखती है कि कार की पिछली सीट पर बड़ी गठरी की तरह बनाकर एक लाश रखी हुई है। लाश को छुपाया नहीं गया था, दूर से ही कार के बाहर से ही साफ साफ तौर पर पता चला था कि लाश एक महिला की है। पुलिस ने दरवाज़ा खोला, बाकी टीमों को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस की बाकी टीम आई तो लाश का मुआयना किया गया। पहली नज़र में जो नज़र पड़ी वो गले पे निशान था, तो साफ बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उसी वक्त ही एक अंदाज़ा हुआ कि इस महिला की गला घोंट कर हत्या की गई है।
पुलिस ने लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। अब लाश के आसपास से और कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, ना मोबाइल ना आई कार्ड। ऐसा लगा कि जिसने भी मारा है वो शायद लूटपाट करके निकल गया। अब पुलिस को सबसे पहले लाश की शिनाख्त करनी थी, हालांकि उनके पास गाड़ी का नंबर भी था। तो पुलिस ने कहा कि चलो पहले ये पता करते हैं कि आसपास में कहीं कोई महिला मिसिंग तो नहीं है। तो उन्होंने अपने ही अलग अलग पुलिस स्टेशन में सबसे पहले सर्च करना शुरू किया। तो जल्दी पता चल गया कि वलसाड में ही एक दिन पहले रात को, पिछली रात को यानी 27 अगस्त की रात को, एक शख्स जिसका नाम हरेश है, उसने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। और उस रिपोर्ट में उसने लिखाया है कि उसकी वाइफ पिछली रात से घर से गायब है, और उसका नाम था हरेश बलसारा। तो उसने कहा कि उसकी वाइफ जिसका नाम बबीता है वो गायब है, और घर से ये कहकर गई थी कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ और उसके बाद से लौटी नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ है। तो हमने उसको काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की, इधर उधर रिश्तेदारों के पास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब बल्कि वाइफ का नाम बबीता नहीं वैशाली, तो वैशाली बलसारा, तो उसने कहा कहीं भी वैशाली का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन हम फिर भी उसे ढूंढते रहे कि शायद इधर उधर कहीं हो, लेकिन जब कहीं नहीं मिली, देर रात हो गई, तो मजबूरन हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ा। और इसलिए हम रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि मेरी वाइफ वैशाली बलसारा मिसिंग, और वो अपनी गाड़ी में खुद गई थी। अब जैसे ही पता चला कि एक वैशाली नाम की महिला मिसिंग है, पुलिस की एक टीम ने फौरन हरेश बलसारा को कॉन्टेक्ट किया और कहा कि आप आइए और एक लाश है, ज़रा इसकी शिनाख्त कीजिए। तो हॉस्पिटल में ले जाकर हरेश बलसारा को वो लाश दिखाई गई। हरेश बलसारा ने लाश देखते ही पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगा। ये लाश उसकी ही बीवी की थी। अब पहले तो यहाँ ये साफ हो गया कि चलो मरने वाली कौन है, लेकिन अब ये कि एक कार के अंदर लाश, कार भी उसी की, गला घोट कर मारा गया, कातिल कौन हो सकता है? तो पुलिस भी फूक फूक कर कदम रखती है। पुलिस ने सबसे पहले तो ये शुरुआत की हस्बैंड से ही, क्योंकि हर एक पे शक करना ज़रूरी होता है। तो हरेश से बड़ी बारीकी से पूछताछ की गई। कहा गया कि आपने पिछली रात रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद आप दोबारा पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए, आपने पता क्यों नहीं किया? तो उसने सफाई दी कि भाई मैं इधर उधर ढूंढ रहा था, मैं इधर उधर और लोगों से कॉन्टेक्ट कर रहा था और रिपोर्ट तो लिखा चुका था, मैं फिर कॉन्टेक्ट करता। तो ये सारी बातें हुई। फिर कब शादी हुई, कैसी ज़िंदगी चल रही थी, कुछ पड़ोसियों को, हरेश के रिश्तेदारों को अलग अलग पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेट और इंट्रोगेट करना शुरू किया। तमाम घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस को लगा कि हरेश सच बोल रहा है, इसका अपनी इस बीवी के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। ये भी पता चला कि दोनों पति पत्नी में बड़ा प्यार भी था, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, दहेज वहेज की कोई बात नहीं थी। पड़ोसियों ने भी कहा कि बड़ा अच्छा कपल था। तो इन तमाम चीज़ों के बाद पुलिस को लगा कि हरेश उनके शक के रडार से बाहर है और उसने कत्ल किया नहीं, तो फिर कातिल कौन है? अब पुलिस फिर अपनी बेसिक पर लौटी। तमाम पूछताछ के बाद उसने कहा कि चलो जिस जगह पर यह लाश मिली नहर के किनारे, वहाँ से लेके हरेश के घर तक जो भी CCTV कैमरा है उसको खंगालते हैं, दूसरा जो वैशाली का मोबाइल फ़ोन है उसकी कॉल डिटेल को खंगालते हैं। अब इन दोनों कामों के लिए अलग अलग पुलिस टीम को लगा दिया गया। पुलिस टीम एक CCTV फुटेज खंगाल रही है, एक कॉल डिटेल की डेटा निकाल रही है। निकालते निकालते आखिरकार दो सुराग मिले पुलिस को। एक सुराग मिला कॉल डिटेल्स, पता चला कि जिस वक्त वैशाली अपने घर से निकली, उसने अपने पति से ये कहा था कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, कुछ काम है और थोड़ी देर में लौट आऊँगी। बस उसने इतना ही बताया, ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। अच्छा, इससे पहले भी कई बार वैशाली ये बता कर गई थी कि मैं जा रही हूँ, कुछ देर हो जाएगा या जल्दी आ जाऊँगी। तो ये नॉर्मल बात थी पति के लिए भी उसके। तो उस दिन लेकिन जब उसके कॉल डिटेल को खंगाला गया, तो पुलिस ने देखा कि दो ऐसे कॉल थे जो एक ही नंबर से थे, और मोबाइल में बाकायदा वो नंबर फीड भी था नाम से। और उस कॉल डिटेल को जो निकाला गया तो उसमें जो नाम आ रहा था वो लिखा हुआ था बबीता। अब टाइमिंग ऐसी थी कि जिस वक्त घर से निकली वैशाली, उस वक्त एक कॉल, और फिर जहाँ पे लाश मिली वहाँ पे एक उसी वक्त टाइम के आसपास एक दूसरी कॉल। तो दो कॉल, जो आखिरी दो कॉल वैशाली के मोबाइल पर आया वो बबीता का था। अब बबीता एक नया कैरेक्टर एंट्री मारती है। तो पता चला, पति से पूछा गया बबीता कौन है, तो उसने कहा कि वैशाली की बहुत ही करीबी दोस्त है, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है।
लेकिन पुलिस को अब शक था कि कत्ल से ऐन पहले घर से निकलने के बाद आखिरी दो कॉल बबीता का ही है, तो उससे पूछताछ करें। इसी दौरान में उधर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो सीसीटीवी कैमरे में 27 अगस्त की शाम को बबीता उसी नहर की तरफ नजर आई एक जगह पर, जहां पे ये कार मिली थी उससे कुछ दूरी पर। तब पुलिस के कान खड़े हुए, एक तो आखिरी दो कॉल बबीता का, और जहां पे लाश मिली मौका या वारदात से कुछ दूरी पर बबीता की आखिरी मूवमेंट एक कैमरे में कैद। पुलिस ने कहा पक्का यही कातिल है, अब तो कोई शक ही नहीं है। इसके बाद अब पुलिस की टीम बबीता के घर पहुंचती है, लेकिन जब वो बबीता के घर पहुंचती है और बबीता से मिलती है तो खुद पुलिस वाले अजीब से एक उलझन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, क्या बोलें उससे, कैसे पूछताछ करें। पता चला कि बबीता 9 महीने की प्रेग्नेंट है, 9 मंथ्स, नवा महीना शुरू हो गया है, और ये भी पता चला कि अब किसी भी दिन डिलीवरी हो सकती है क्योंकि 9 मंथ चालू है और डॉक्टरों ने कहा कि कभी भी वो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। अब उसकी शारीरिक रूप से चूँकि गर्भवती महिला, अब पुलिस को लगा कि नवा महीना है, ये गर्भवती है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, और वहाँ ये एक कत्ल की तफ्तीश के लिए उसको इंट्रोगेट करने आए हैं, जिसके आखिरी दो बार मोबाइल पे कॉल है, मौका वारदात से कुछ दूरी पर उसकी एक कैमरे में मौजूदगी है, कहीं पूछताछ के दौरान इसे कुछ हो ना जाए, पेट में बच्चा है, उसकी भी जान को खतरा हो जाएगा, फिर तो पुलिस की फजीहत ही हो जाएगी। पुलिस ने उससे यूं सरसरी बातचीत की, उसने कहा कि आपकी एक दोस्त वैशाली, तो उसने बताया हाँ, तो उसने कहा उनकी लाश मिली है, वो रोने लगी, पुलिस ने उसे दिलासा दिया और नॉर्मल पूछताछ करके पुलिस वहाँ से निकल गई, सिर्फ इसलिए कि एक 9 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी, कभी भी डिलीवरी, और अगर कहीं कुछ सख्ती पूछताछ हुई तो फिर गड़बड़, उल्टा पड़ जाएगा केस। इसके बाद पुलिस और अपनी तफ्तीश करती है, पूरे बलसारा परिवार को खंगालती है, पड़ोसियों को खंगालती है, वैशाली की ज़िंदगी को टटोलती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई अजीब सी चीज़ पता नहीं चलती जिससे कि ये लगे कि कातिल कोई और है। घूम फिर कर वो दो सुराग दो सबूत पुलिस को बार बार बबीता पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अभी 10 दिन निकला जा रहा है, बबीता प्रेग्नेंट है, क्या करें। फिर पुलिस की एक टीम कहती है कि ठीक है चलो, कुछ महिला पुलिस वालों के साथ नॉर्मल बातचीत, पहले कूल करेंगे फिर पूछताछ करेंगे। पुलिस की टीम अब दोबारा जाती है बड़े हिम्मत करके और बबीता से फिर पूछताछ करती है, तो बबीता कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में। अब यहाँ पुलिस झूठ बोलती है, पुलिस कहती है कि ठीक है आप नहीं हैं, लेकिन पहले दो चीज़ें आपको बताऊँ, एक दो कॉल हैं जो आपने किए। उसने कहा मेरी अपनी सहेली से अक्सर बातें हुआ करती थी, और ये नॉर्मल है, और पुलिस ने देखा वाकई कॉल डिटेल में अक्सर दोनों की बातें हुआ करती थी, बल्कि खूब बातें हुआ करती थी। फिर पुलिस ने दूसरा कहा कि आपका लोकेशन 27 अगस्त को वहाँ के करीब था। पहले तो उसने कहा कि नहीं मैं तो गई नहीं, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, ये रहा तो आप बोले तो दिखाते हैं, सीसीटीवी कैमरे में आपकी मौजूदगी है। फिर कहती है हाँ मुझे याद आया मैं गई थी, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं थी जहाँ पे ये गाड़ी मिली या लाश मिली। पुलिस ने कहा आप वहाँ तक नहीं थी, ये सच कह रही हैं। अब यहाँ से पुलिस को लगा कि कैसे और कुरेदे, पुलिस ने एक झूठ बोला। पुलिस ने झूठ बोलने के लिए पहले गुमराह किया, उसने कहा यह कबूल तो कर नहीं रही। पुलिस ने कहा अच्छा ये बताएं कि जब आप वहाँ गई और आप चली आई, और आप अच्छा उसने ये भी बताया था कि हाँ मैं गई थी और मैं मिली थी, पर मैं मिलने के बाद चले आए, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। तो पुलिस ने कहा कि जब आप गई उस जगह पर नहर से पहले काफ़ी, बाद में गाड़ी कहीं और मिली थी, आप कहीं और थोड़ी दूर पहले मिली थी। उसने कहा था मैं मौके वारदात पर नहीं मिली थी, पहले मिली थी। तो बोला हाँ वो कहीं से गुजर रही थी, उसका फ़ोन आया और उसी वक्त फ़ोन था, तो उसने कहा मैं भी इधर से गुजर रही हूँ, मिल लेते, हमने मिल लिया। तो कहता था ये बताएं कि उस गाड़ी में आपने किसी को देखा था वैशाली के अलावा। बबीता कहती है कि हाँ दो लोगों को देखा था, वो दोनों गाड़ी में थे वैशाली के साथ। अब पुलिस इसके बाद जो झूठ बोलती है वो ये कि एक तस्वीर निकालती है, और तस्वीर निकाल कर एक शख्स की बबीता के सामने रख देती है, कहती है कि जो दो लोगों को आपने देखा उनमें से एक ये तो नहीं था। बबीता फोटो देखती है और कहती हाँ यही था। अब जैसे ही बबीता ये इकरार करती है कि यही शख्स था,
पुलिस कहती है पहली बार कि देखिए आपका लिहाज कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आप अब और ज़्यादा झूठ मत बोलिए। ये तस्वीर किसकी है हमें खुद पता नहीं, ये तो हम थाने से उठा कर ले आए और सिर्फ आपको दिखाना चाहते थे। आपने कहा दो लोग थे, आपने कहा यही बंदा है और इस बंदे का दूर दूर तक ये शहर का भी है कि नहीं मालूम, ये तो हम आपका टेस्ट ले रहे थे। तो हमारे पास कैमरा भी है, सीसीटीवी की फुटेज है, हमारे पास आपके कॉल के वो सारी चीज़ें हैं और आप झूठ बोल रही हैं, आप बचेंगी नहीं। तो अब जो भी सच है वो बोल दीजिए। अब यहाँ पे पहली बार बबीता को लगा कि वो गिर गई है। फिर उसने कहा ठीक है मैं सच बताती हूँ। अब 9 महीने की एक गर्भवती लेडी जो कभी भी माँ बनने जा रही है वो एक कहानी सुनाती है। कहती है करीब साल भर पहले इस वलसाड़ में मैं आई, इस इलाके में रहना शुरू किया। ऐसी एक किसी गैदरिंग के दौरान मेरी वैशाली से मुलाकात हुई। हम दोनों के मिजाज और शौक बड़े मिलते थे, जल्दी हम दोनों घुल मिल गए, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इस बीच में मुझे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, पैसों की ज़रूरत थी। मैंने वैशाली से कुछ पैसे मांगे, वैशाली ने दे दिए। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ और ज़रूरत हुई, मैं मांगती रही वो देती रही। करीब 25 लाख रुपये 25 लाख अलग अलग वक्त में वैशाली ने मुझे दिए। मैंने उसे एक वक्त बताया था लौटा दूंगी, लेकिन इत्तफाक से मैं लौटा नहीं पाई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, अब जो भी मैं टाइम देती फिर वो टाइम निकल जाता, पैसे नहीं लौटा पाती। अब उधर वैशाली लगातार मुझसे पैसे मांग रही थी और मुझे लगा कि ये पैसे तो लौटाने पड़ेंगे, कब तक उससे झूठ बोलेंगे, और पैसे हैं नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये पैसे ना लौटाऊँ इसके लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा मैं फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर, तो उसमें कुछ फ्रेंड्स को मैंने फेसबुक पे ही मैसेज करके भरोसे में लिया। मैंने कहा कि नाम तो नहीं लिखा, मैंने कहा कि मेरी दोस्त है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ और मैं उसे रास्ते से हटाना चाहती हूँ, तो कोई मेरी मदद करेगा। अब इत्तफाक से इसके जो फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में 2 दोस्त ऐसे थे जो सुपारी किलर थे। जब उन्होंने भरोसे में लेकर बातचीत की और इसने अपना बताना शुरू किया तो वो दोनों तैयार हो गए, पर उन्होंने कहा कि हम 10 लाख रुपए लेंगे मारने के लिए। फिर मोलतोल शुरू हुआ, सौदा 8 लाख रुपए में पटा। बबीता 8 लाख रुपए देने को तैयार हो गई। इसके बाद 27 अगस्त की शाम को बबीता ने फ़ोन किया वैशाली को कि वैशाली तुम्हारे 25 लाख तो एक साथ नहीं लौटा पा रही हूँ, लेकिन उसमें से 8 लाख रुपए मैं तुम्हें आज दे देती हूँ, तो 8 लाख रुपए तुम ले लो, आ जाओ मुझसे मिलने। वैशाली को लगा कि चलो आज पैसे दे रही है, तो अपनी गाड़ी से निकली। उसने उसी नहर के किनारे उसे बुलाया। उससे पहले जहाँ पे ये गाड़ी छोड़ी थी लाश के साथ, उससे कुछ और पहले ये अपनी स्कूटी से पहुँची जो बबीता है। जैसी वैशाली की कार आई वो उस कार में बैठी, ये अपने साथ 2 लोगों को ले गई थी। दोनों को बताया इसने वैशाली को कि ये मेरे कज़न है, चूँकि 8 लाख रुपये था, अकेले लेकर इतनी बड़ी रकम आ नहीं सकते, तो इनको साथ लेकर आई। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने कहा चल गाड़ी में बैठकर तुम गिन लो। वो दोनों सुपारी किलर थे, गाड़ी में बैठे। जैसे ही गाड़ी में बैठे उनमें से एक ने पहले से ही क्लोरोफॉर्म रखा हुआ था, वैशाली को सुंघाता वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसका गला घोंटता है, वैशाली दम तोड़ देती है। फिर स्कूटी से इधर बबीता वापस आ जाती है, वो दोनों उस कार को ड्राइव करके ले जाकर नहर के किनारे लगा देते हैं और लाश को पीछे की सीट पर रख देते हैं, उसके मोबाइल पर्स को ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो 8 लाख रुपए जो वैशाली बबीता को देने के नाम पर उसे वहाँ बुलाई थी, वो 8 लाख रुपए सुपारी किलिंग की फ़ीस के तौर पर उन दोनों सुपारी किलर को वो सौंप देती है। तो 8 लाख रुपए के नाम पर बुलाया, लेकिन ये 8 लाख रुपए उसी के कत्ल के लिए सुपारी के तौर पर उसने दे दी। दोनों कातिल निकल गए। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, फिर दोनों कातिलों को ढूंढा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अजीब चीज़ ये थी कि जब पूरी सच्चाई सामने आई तो हरेश बलसारा यानी कि वैशाली का शौहर पति हस्बैंड वो हैरान रह गया कि उसकी वाइफ वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को अलग अलग किस्तों में 25 लाख रुपये दिए और उसने कभी घर में इस बात का जिक्र नहीं किया। उसे पति को मालूम ही नहीं, उसे ये भी नहीं मालूम कि उसकी पत्नी ने ये 25 लाख रुपए कहाँ से कलेक्ट किए, कहाँ से जमा किए, कहाँ से लाई।
उसका कहना था कि हमें मालूम ही नहीं था, और इसीलिए जब उसने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई 27 को तो उसमें कहीं पैसों का जिक्र नहीं था। उसे ये भी पता नहीं था कि उसने बबीता को उधार दे रखा है, तो 25 लाख की रकम का रहस्य क्या था ये उसे नहीं मालूम। और ये 25 लाख रुपए की रकम का रहस्य क्या है ये शायद अब किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वैशाली तो अब इस दुनिया में है नहीं जो सच बता सके। लेकिन कुल मिलाकर एक 9 महीने की गर्भवती महिला कहानी का जो निचोड़ है वो ये, जो एक जिंदगी को जन्म देने वाली है, किसी भी दिन उस जन्म से पहले वो एक की जिंदगी को छीन लेती है, वो भी अपनी ही दोस्त की। तो जो मैंने शुरू में कहा कि शायद एक मिसिंग लिंक था वो ये था, मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी प्रेग्नेंट लेडी या गर्भवती महिला ने जब वो किसी बच्चे को जन्म देने जा रही हो और उस वक्त वो किसी की ज़िंदगी छीनने की साजिश बुन रही हो, शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई स्टोरी ऐसी कवर की है। तो उन रिश्तों में और उन चीज़ों में शायद ये एक और नई कड़ी जुड़ गई। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी का सिलसिला ख़त्म करूँ उससे पहले फिर वही, आज राहुल वर्मा का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे राहुल, और सावन वर्मा ने भेजा है। इसके अलावा फैज़ान का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे फैज़ान। शादाब सिद्दीकी ने भेजा है संत कबीर नगर से। अभिषेक कुमार का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अभिषेक। साथ ही दीक्षा शाही, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे दीक्षा। और पीयूष तिवारी ने भेजा है। रोहित दुसाने और राहुल दुसाने दोनों जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, और दोनों भाई, इनका आज जन्मदिन है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब एक घर में जुड़वा भाइयों का जन्मदिन हो, क्योंकि जुड़वा यहाँ तो एक ही दिन होगा। तो हैप्पी बर्थडे रोहित और राहुल, और ये बेटे हैं दीप माला दुसाने जी के। साथ ही सुहाशिनी सुभाष नागौकर जी, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे सुहाशिनी जी और सुभाष नागौकर जी ने भेजा है। इसके अलावा सुकांत मिश्रा का जन्मदिन 6 तारीख को था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुकांत, और अक्षय सोनी ने भेजा है। इसके अलावा भानु प्रकाश, इनका भी 6 सितंबर को था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भानु। मनदीप नेहरा, कई लोगों ने कल की कहानी पर लिखा, उसमें एक मनदीप नेहरा भी हैं, कि इन्होंने लिखा कि 3 दिन तक वो सुसाइड नोट लिखता रहा, और जबकि ये है कि अगर उसका 3 दिन तक सोचता रहा मैं सुसाइड करूँगा, पर कहते हैं कि सुसाइड करने के लिए अगर 2 सेकंड के लिए दिमाग भटका दो तो आदमी सुसाइड नहीं करता है। मैंने भी कई बार ये बात कही है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन दूसरा था। ये जो लड़का था ये लगातार 2 साल से खुदकुशी करने की सोच रहा था, बीमार था, सो नहीं पा रहा था। तो शायद एक और भी चीज़ है कि जो 3 दिन लगाए इसने सुसाइड नोट लिखने में, 77 पन्ने लिखने में, कई बार इन 3-4 दिनों में हो सकता है इसने पहले भी मरने की सोची हो, बट नहीं मर पाया, जान नहीं ले पाया, शायद सहम गया, कुछ हुआ, लेकिन फिर आखिरकार इसने अपनी जान ले ली। तो यहाँ पे थोड़े हालात और सिचुएशन अलग थे, क्योंकि ये एक लाश के साथ है, उसकी दिमागी हालत वैसी है, डिप्रेशन में है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है जो उसने लिखा है, तो शायद इन सारी चीज़ों ने मिलाकर उसे आखिरकार मजबूर किया। इसके अलावा सुयांशु सत्य प्रकाश जी, इन्होंने भी इसी कहानी के बारे में लिखा था। अमरजीत सिंह कोलकाता से हैं, कहानी की फरमाइश की है। राम तीर्थ, ये यूनाइटेड किंगडम से हैं, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए राम तीर्थ साहब। इसके अलावा गुरविंदर सिंह हैं, थैंक यू आपके मेल के लिए। आकाश शर्मा हैं, थैंक यू आपके मेल के लिए, और एक कहानी की फरमाइश भी की इन्होंने। इसके अलावा दीप्ति साहू हैं, थैंक यू सो मच दीप्ति, और हमेशा आप अच्छे रहें। जितेंद्र पवार हैं, कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा हेम पुष्पा ने कहानी की फरमाइश की है, और इन्होंने एक जो भेजा है आपने हेम पुष्पा जी, मैं उसको चेक कर रहा हूँ और जैसी होगा वो स्टोरी ज़रूर करता हूँ। साथ ही रघुवीर सिंह, इन्होंने कहा कि पहले आप बहुत लंबी लंबी कहानी सुनाते थे, अब छोटी हो गई कहानी का असल में टाइम से मतलब नहीं है, जितनी कहानी की जो लेंथ वर्थ होती है उसी हिसाब से मैं जब तक बोलता हूँ बोलता रहता हूँ, जैसे ही चुप होता हूँ कहानी ख़त्म हो जाती है। अनिल पाटिल हैं, रमन राघव की कहानी सुनना चाहते हैं या औरंगाबाद से, हाँ मैंने शायद रमन राघव की कहानी सुनाई है इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में। इसके अलावा प्रसून तिवारी जी हैं, थैंक यू सो मच प्रसून। एल्विश यादव हैं, चेरनोबिल की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ 100%, ये तो मैं श्योर हूँ कि सुना चुका हूँ, कानपुर से हैं ये। आर्य तिवारी, और थैंक यू सो मच तिवारी साहब। इसके अलावा मोहम्मद इम्तियाज़ हैं, कहानी की फरमाइश की है, किशनगंज से हैं ये। सुनील थालोड़ है राजस्थान से, थैंक यू सो मच। इसके अलावा चंद्रभान मौर्या हैं, थैंक यू आपके मेल के लिए, और मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ चंद्रभान भाई,
और जो आपने वो टी शर्ट वाली बात की है वो ज़रूर जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा तेशी मिमी है, थैंक यू सो मच तेशी। जय प्रकाश सिंह हैं, इन्होंने कल चूल्हे और गैस के बारे में लिखा है और एक कहानी भी बताई है, यही हकीकत है जय साहब। इसके अलावा मनिंदर सिंह जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए और एक कहानी की फरमाइश भी है। जवाहर चौबे हैं और अमृता वेदान जी, आई एम सॉरी मैंने आपको मेल भी लिखा है, आपने वो जो कल मैंने बताया था कि कैसे बिजली को लेकर एक ठगी का खेल चल रहा है, आपका वो मेल उस वक्त नहीं देख पाया था, शायद मिस कर गया, बहुत सारे मेल होते हैं कई बार मिस हो जाता है। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।